जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इस समय गोलकुंडा फोर्ट तेलंगाना में, जो कि भारत की ऐतिहासिक किला है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं गोलकुंडा किले को एक्सप्लोर करने और वहां पर घूमूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में, आप कैसे आ सकते हैं हैदराबाद से। तो ये देखिए, गोलकुंडा का मेन गेट है फ्रेंड, जो कि यहाँ पर टिकट मिलता है, लाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इस समय बहुत ही गर्दी होती है। अभी तो कम है कोरोना की वजह से, अगर कोरोना ना होता तो और ज़्यादा यहाँ पर लाइन लगाना पड़ता, इसलिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैंने टिकट यहाँ पर लिया है और अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्वायरी हुआ है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पर रहते हैं। अगर आप बड़ा कैमरा लाते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, अगर नॉर्मल लाते हैं तो फ्री है यहाँ पर। तो फिर देखिए, ये सामने का व्यू कुछ ऐसा है, आप देखिए यहाँ पर गार्डन भी है छोटा सा। तो आपको आगे चलता हूँ लेकर, ये देखिए जेल है जो कि यहीं पर शूटिंग हुई थी तेरे नाम मूवी की, क्योंकि सलमान खान किरदार निभा रहे थे। और देखिए यहाँ से व्यू, इस गोलकुंडा फोर्ट में उस मूवी का काफ़ी सीन लिया गया है और काफ़ी गाने भी हैं, अभी उसको मैं आपको आगे एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है। ये देखिए कुछ यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर का सीन आपको दिखाता हूँ, जो कि पुराने सब कड़े हैं, लोहे हैं। तो यहाँ भी एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और ये भी एक गेट है जो कि काफ़ी बड़ा गेट है फ्रेंड, इसका दरवाज़ा बहुत ही बड़ा है, ये देखिए लोहे और लकड़ी का है। जी हाँ, गोलकुंडा किला भारत के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है, जो कि कोंडापल्ली किले के तर्ज पर अपने पश्चिमी रक्षा हिस्से के रूप में काकात्यास द्वारा पहली बार इसको बनाया गया था। रानी रुद्रमा देवी और उनके उत्तराधिकारी रुद्र प्रताप द्वारा इसको मजबूत किया गया था। बाद में इस किले पर मुसनरी शासकों का आधिपत्य रहा, जिन्होंने तुगलकी सेना को पराजित कर वारांगल पर कब्जा किया था। सुल्तान कुतुब उल शाही ने 1501 में इसे अपने सरकार के अधीन कर लिया था, जिन्होंने कुतुब शाही की स्थापना की थी। मिट्टी से बने इस किले को पहले तीन कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में ग्रेनाइट द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। ये किला साल 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा और वर्तमान हैदराबाद के निर्माण तक उनकी राजधानी बना रहा। बाद में 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। एक ग्रेनाइट पर बना ये किला 120 मीटर ऊंचा है। इस किले को उत्तरी छोर के मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। और इस किले की एक खासियत ये भी है, किले में कुल 8 दरवाजे हैं और इसे पत्थर की 3 मील लंबी दीवार से घेरा गया था। और इस किले में राजवंशी अपार्टमेंट हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका इत्यादि हैं। किले के निचले हिस्से में फतेह दरवाज़ा भी है, जिसे विजय द्वार कहा जाता है। पूरे दुनिया में प्रसिद्ध इस किले से पुराने ज़माने में कई बेशकीमती चीज़ें, जैसे कोहिनूर, हीरा, होप, डायमंड और नूर अल इन आदि मिली थी। तो ये था गोलकुंडा किले का इतिहास, जो मैं आपको बताया, शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों को। अगली बार मैं वीडियो बनाऊँगा गोलकुंडा किले, आप कैसे आ सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, क्या बजट होगा फ्रेंड। तो फिर वीडियो को एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए काफ़ी पुराने पत्थर हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करिए, घूमिए, इंजॉय करिए, क्योंकि अगर घूमेंगे तभी अपने इंडिया को आप जानेंगे कहाँ पर क्या है। काफ़ी अच्छे है, जो कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी हैं, तेरे नाम मूवी की यहीं पर शूटिंग हुई थी, जो कि काफ़ी सीन यहां से लिया गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं, लव यू, बाय।